are alright. Had no need to fight tonight, tonight. Hey guys, welcome back to yet another video. और इस वीडियो में बात करूंगा आपसे अबाउट प्रोटीन बार्स एंड ऑल्सो रिव्यू करूंगा मसल ब्लेस का प्रोटीन बार्स एंड लाइक बात करेंगे क्या प्रोटीन बार्स के बेनिफिट्स हैं एंड हमें कब यूज करने चाहिए, क्या प्राइस रेंज है, कौन सी बेस्ट ब्रांड्स हैं इंडिया टू बाय एंड ऑल्सो इसके पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स क्या हैं और लाइक कैसे ये इतना जल्दी अमंग फिटनेस एंथुजियास्ट इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया एज अ प्रोडक्ट. बिकॉज प्रोटीन को तो हम लोग सभी जानते हैं, लाइक वे प्रोटीन कंजम्पशन सब करते ही हैं, बट प्रोटीन बार्स लाइक आर दे रियली इंपॉर्टेंट और क्या हमें ये लेनी चाहिए, तो इन्हीं कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे. सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज बात करते हैं व्हाट आर प्रोटीन बार्स. सो गाइज प्रोटीन बार्स बेसिकली एक कन्वीनियंट और पोर्टेबल सोर्स है जिसको आप कहीं भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं फॉर योर डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स. और ये बेसिकली जो प्रोटीन बार्स होते हैं वो नट्स, सीड्स और प्रोटीन पाउडर और अदर हेल्दियर न्यूट्रिएंट ऑप्शंस से बने होते हैं और बाकी ये एक वेराइटी ऑफ फ्लेवर्स में आते हैं एंड एक बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट हो जाते हैं किसी भी फिटनेस एंथुजियास्ट के लिए लेना जो कहीं पे भी ट्रैवल कर रहा है, बिकॉज बहुत क्विक एंड इजी स्नैक है ये और कभी भी लिया जा सकता है बिटवीन योर मील्स और लाइक आप कभी भी आफ्टर वर्कआउट भी इसको कंज्यूम कर सकते हैं. सो गाइस बात करते हैं कितने टाइप्स के प्रोटीन बार्स मार्केट में अवेलेबल हैं और क्या क्या टाइप्स हैं प्रोटीन बार्स के. सो गाइस कुछ पॉपुलर प्रोटीन बार्स जिनके बारे में लाइक मैं बात करूंगा और लाइक मैं खुद भी कंज्यूम कर चुका हूं वो है एक वे प्रोटीन बार्स, लाइक जैसे मेरे पास मसल ब्लेस का प्रोटीन बार है ये. फिर प्लांट बेस्ड प्रोटीन बार्स आते हैं, फिर आपका सोया बेस्ड प्रोटीन बार्स आते हैं एंड बाकी इसी टाइप से लाइक एनर्जी एनहेंसिंग लो कैलोरी प्रोटीन बार्स और लो कार्ब्स प्रोटीन बार्स, ऐसी काफी सारे अलग अलग टाइप के प्रोटीन बार्स मार्केट में अवेलेबल है. तो आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप वीगन है तो आप वीगन प्रोटीन बार लीजिए बिकॉज उनकी डाइट ऑलमोस्ट अलग होती है जो नॉर्मल जिम गोअर होते हैं. तो इसलिए आप अपने हिसाब से चूज करिए कि आपको कौन से टाइप का प्रोटीन बार लेना है. बट मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा वे प्रोटीन बार्स बिकॉज इसमें काफी ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी होता है और लोअर इन कैलोरीज होता है. आपको यही देखना है कि कौन से प्रोटीन बार्स हैं जिनमें आपकी कैलोरीज तो कम है बट प्रोटीन काफी ज्यादा है. लाइक आई कंज्यूम मसल ब्लेस का प्रोटीन बार्स, तो इनमें लाइक क्या होता है कि बेसिकली मुझे 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाता है इन अराउंड 250 कैलोरीज. सो गाइस आगे बात करते हैं डू यू रियली नीड देम, क्या आपको जरूरत है प्रोटीन बार्स कंजम्पशन की. देखिए गाइस शॉर्ट आंसर इसका नहीं है, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है बट कि आप प्रोटीन बार अपनी डाइट में ऐड करें. बट बात यह है कि ये बहुत कन्वीनियंट सोर्स ऑफ प्रोटीन है. सो प्लेंटी ऑफ अदर फूड ऑप्शंस हैं आपके पास, जैसे होल फूड ऑप्शंस बेसिकली एग्स, चिकन वगैरह, मीट एंड दाल पल्सेस एवरीथिंग. बट अगर आप लाइक किसी वजह से ये कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं एंड लाइक आपका जो डेली रूटीन है वो काफी हेक्टिक है, तो जो आपकी ये प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए आप प्रोटीन बार्स को कंज्यूम कर सकते हैं. ये काफी हेल्पफुल होगा आपके ओवरऑल लाइक जो मैक्रोस को रीच करने के लिए जो डेली के आपके मैक्रोस हैं. सो गाइस मैं तो पर्सनली कभी कभार एक और दो प्रोटीन बार्स दिन में कंज्यूम कर लेता हूँ बिकॉज मैं काफी लाइक इफ आई डोंट टेक एनीथिंग स्वीट तो मैं काफी क्रेव करने लग जाता हूँ, तो इसलिए मेरा ओवरऑल जो एक डाइट है वो ट्रैक पे रहे इसलिए मैं प्रोटीन बार्स को कंज्यूम करता हूँ. सो गाइस बेसिकली प्रोटीन बार के यही बेनिफिट्स हैं कि अगर आप कहीं जा रहे हैं एंड आप प्रोटीन अपनी मैक्रोस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप इनको कंज्यूम कर सकते हैं अपने मैक्रोस को रीच करने के लिए. और ऑल्सो अगर आपको क्रेविंग हो रही है किसी वजह से तो आप ये खा सकते हैं और एक फुलर फील ले सकते हैं लॉन्गर डेज के लिए कि आपको 3-4-5-6 घंटे के लिए फुलर फील होगा, आप कोई और मील कंज्यूम नहीं करेंगे, कोई भी अनयूजुअल मील. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको मीठा खाने का मन कर रहा है तो आपने कुछ लाइक स्वीट्स खा ली, चॉकलेट्स, डिफरेंट चॉकलेट्स खा ली जैसे डेयरी मिल्क हो गई या कोई भी एक्सरसाइज है जिसमें कैलोरीज ज्यादा है जो कि आपके मैक्रोज में फिट नहीं होती हैं, तो आप उसकी जगह इनको यूज कर सकते हैं एंड अपने मैक्रोज को रीच आउट कर सकते हैं.
तो यही कुछ बेनिफिट्स हैं और बहुत इजीली लाइक आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं इन्हें अपने पॉकेट्स में और अपने बैग में, एंड कोई बड़ा इशू नहीं है। बिकॉज प्रोटीन के साथ क्या होता है, वे प्रोटीन के साथ कि आपको उसके लाइक आपको उसके लिए वाटर या कुछ मिल्क वगैरह चाहिए टू मिक्स इट, एंड आपको पाउचेस में भी कैरी करना पड़ता है। बट इसका यह है कि आपने लिया खाया एंड योर मैक्रोज आर लाइक यू आर गुड टू गो। गाइस बात करते हैं बेस्ट प्रोटीन बार इन इंडिया की। तो बेस्ट प्रोटीन बार इन इंडिया जो मैंने आज तक कंज्यूम किया है वो है लाइक दिस ओनली मसल रिलेज के प्रोटीन बार्स, एंड दे आर एक्सट्रीमली टेस्टी, एक्सट्रीमली टेस्टी। एंड इसमें अराउंड आपको लाइक 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये लाइक इसका एक बार है एंड इसमें आपको अराउंड 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा, अराउंड 250 कैलोरीज मिल जाएंगी। इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी ऑलमोस्ट लाइक 120 के अराउंड, एंड लाइक डिफरेंट प्रोटीन बार्स इन डिफरेंट फ्लेवर्स इन मसल रिलीज वेबसाइट। तो मैं आपको इसका डिस्काउंट कोड और सब कुछ डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं एंड ऑर्डर कर सकते हैं इफ यू रियली वॉन्ट टू ट्राई दिस आउट, एंड लाइक आई रियली रिकमेंड, इट्स अ वेरी ग्रेट प्रोडक्ट। सो गाइज प्राइस के बारे में मैंने आपको बता दिया है, जैसे पर प्रोटीन बार आपको कुछ अराउंड 60 टू 120 पड़ जाएगा डिपेंडिंग ऑन कितना प्रोटीन है उसमें और कितनी कैलोरीज है उसमें। तो आप अपने हिसाब से और फ्लेवर्स के अकॉर्डिंग भी प्राइसेस चेंज होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। सो गाइस टू चेकआउट, मैंने इस प्रोडक्ट का डिटेल डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस बात करते हैं प्रोटीन बार के साइड इफेक्ट्स क्या है, बेसिकली क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं। सो हाँ गाइस इसके साइड इफेक्ट्स हैं, दैट इज लाइक अगर आप ओवर कंज्यूम करेंगे तो आप लाइक कैलोरी सरप्लस में जा सकते हैं, और अगर आप वेट लॉस डाइट पे हैं तो आपके साथ ये होगा कि आप करना तो वेट लॉस चाह रहे हैं बट आप कैलोरी सरप्लस में चले गए हैं, तो आपके ओवरऑल गोल्स मीट नहीं कर पाएंगे। और जो बहुत सारी प्रोटीन बार्स होती है जिनमें शुगर कंटेंट काफी हाई होता है, तो आपको उस टाइप की प्रोटीन बार्स बिल्कुल कंज्यूम नहीं करनी है जिनमें शुगर कंटेंट काफी हाई है। आपको बेसिकली उन टाइप की प्रोटीन बार्स कंज्यूम करनी है जिनमें कैलोरीज लेस है एंड प्रोटीन काफी हाई है। तो यही कुछ साइड इफेक्ट्स हैं गाइस, और लाइक डाइजेशन में इशू आ सकता है अगर आप लाइक दिन के 4-6 प्रोटीन बार्स डेली कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा। आप इसको करें टू हिट योर मैक्रोस। आपको वे प्रोटीन भी एक लिमिटेड अमाउंट के लिए कंज्यूम करना चाहिए, और कितना कंज्यूम करना चाहिए इसके बारे में मैं वीडियो आने वाले टाइम में बनाऊंगा एंड कितना रिक्वायर्ड होता है पर मील। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपको 1-2 प्रोटीन बार एक दिन में कंज्यूम करने चाहिए ऑफ अराउंड 20 ग्राम प्रोटीन, तो लाइक 20-40 ग्राम आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट डेली का हिट हो जाए। सो गाइस ओवरऑल कंक्लूजन इस वीडियो का यही है कि प्रोटीन बार्स आपको रिक्वायर्ड नहीं है बट लाइक नेसेसरी नहीं है, बट आप इसे यूज कर सकते हैं टू कंट्रोल योर क्रेविंग्स एंड ऑल्सो हिट योर मैक्रोस। सो गाइज मैं पर्सनली यूज करता हूँ प्रोटीन बार्स 1 or 2 अ डे, ऑल्सो वेन आई एम ट्रैवलिंग। जब आप ट्रैवल भी कर रहे होंगे तब भी इजी होगा, फॉर एग्जाम्पल आप किसी और सिटी में गए हैं तो आप अपने साथ इजिली कैरी कर सकते हैं और बच सकते हैं कुछ भी बैड खाने से, कुछ भी गंदा जो क्या नाम है आपके मैक्रोज के लिए अच्छा नहीं है और ओवरऑल हेल्दी भी नहीं है। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए और टॉपिक बताइए मुझे किसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊँ। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।